गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। आज फिर हम आपके सामने 2018 की PYQ लेके आए हैं। तो बच्चों, आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है 2018 में। तो बच्चों, NDA 2018 का जो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे बच्चों देखो, इन्होंने क्या पूछा, नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। नॉट करेक्ट की बात आती है ना बच्चों, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगली बार हो सकता है यहाँ पे नोट को हटा दिया जाए और डायरेक्ट करेक्ट पूछ लिया जाए। तो बच्चों, हम स्टेटमेंट को देखते हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। कि भाई, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। अब इन्होंने क्या पूछा है, कौन सही नहीं है। नोट करेक्ट पूछा है, तो नोट करेक्ट पूछा है तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि पहली स्टेटमेंट हमारी पूरी तरह करेक्ट रहती है। अब देखते हैं दूसरी, देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द लोकसभा। लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होता बच्चों, मनोनीत सदस्य होते हैं, मैंने बताया एंग्लो इंडियन के टोटल हमारे मेंबर कितने हैं, 543, और एंग्लो इंडियन के दो मेंबर्स अगर एंग्लो इंडियन जीत के नहीं आए हैं तो उनको नॉमिनेट किया जा सकता है, और टोटल मेंबर हो जाते हैं 545, तो नॉमिनेट किया जा सकता है। तो भाई, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। अब देखते हैं थर्ड, द राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्वड। भाई, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि मैंने बताया था राज्यसभा के एक तिहाई मेंबर हर दूसरे साल बाहर हो जाते हैं और फिर से नए चुन लिए जाते हैं, यानी कि एक तिहाई मेंबर निकलते रहते हैं और एक तिहाई जो निकले उनकी जगह फिर से नए आ गए। तो बच्चों, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और इनके मेंबरों का कार्यकाल भी 6 साल का होता है। इसके बाद बच्चों, ये स्टेटमेंट भी राइट हो गई हमारी। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, सब मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। भाई, राष्ट्रपति के द्वारा कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। राज्यसभा के टोटल मेंबर की बात करेंगे बच्चों, तो टोटल मेंबर है 245 मेंबर राज्यसभा के टोटल रहते हैं, लेकिन 245 में से इलेक्टेड 233 है प्लस 12 नॉमिनेटेड, और टोटल कितने हो गए, 245 हो गए बच्चों। और कौन से मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आए, तो शिक्षा, कला, साहित्य, या फिर किसी गेम में, या फिर किसी विज्ञान में जिसने अच्छा काम किया है उस बंदे को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है। किसके लिए बच्चों, राज्यसभा के लिए, जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया। अब सचिन तेंदुलकर ने कोई इलेक्शन थोड़ी ना लड़ा था, उनको तो नॉमिनेट किया गया था, तो राज्यसभा के लिए मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये क्वेश्चन भी बच्चों एनडीए 2018 सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको केक बोलते हैं, ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। भाई, इन्होंने क्या पूछा, ये नोट वर्ड बड़ा भयंकर है, और बच्चे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ना तो यहां पे सीधा ये समझते हैं कि कौन सी सही है, वो सही कहलाते हैं, नोट पे ध्यान नहीं देते। तो बच्चों, यहां पे नोट करेक्ट इन्होंने पूछ रखा है, नोट करेक्ट की बात करेंगे, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई, भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, बिल्कुल करता है, राइट स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन द सेम वे एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल राइट बच्चों, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट, कि इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर इम्पीचमेंट या ब्राइब या फिर ऐसा कोई मुकदमा लगा के उसे हटाया जा सकता है, तो उसी प्रकार इसे हटाया जा सकता है। अब बच्चों, थर्ड स्टेटमेंट हम देखते हैं, द केग इज एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ही इज क्रेजिड टू द होल्ड हिज ऑफिस। भाई, इन्होंने क्या पूछा, कार्यालय में रहने के बाद भारत सरकार के तहत आगे के कार्यालय के लिए पात्र है, आगे के कार्यकाल के लिए पात्र है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट गलत है। सरकार बदलेगी, दूसरी सरकार अपना CAG अपॉइंट करेगी, तो नहीं है ऐसा। चौथा देखते हैं, द सैलरी ऑफ द केग इज चार्जेड ओपन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भाई, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, भारत सरकार की संचित निधि। सिंपल सा आप ये समझिए कि इसको अपॉइंट करने के बाद इसकी सैलरी में कटौती नहीं की जा सकती, यानी कि इसको अपॉइंट किया गया और इसकी सैलरी है 1 लाख रुपए,
तो उसको बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो हमारी बच्चों नोट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो ये हमारा आंसर रहेगा सी, जो नोट करेक्ट है। बाकी की तीनों स्टेटमेंट हमारी राइट है। तो हमें आंसर क्या देना है? इसका सी आंसर हमारा रहेगा बच्चों। अगली बार हो सकता है इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से रिपीट किया जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बच्चों एनडीए 2018 फास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें क्या पूछा गया देखते हैं बच्चों। द सुप्रिंटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इज वेस्टेड इन, भारत में चुनावों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण निहित है। भाई किसमें निहित है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का काम थोड़ी ना देखती है। सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशरी से रिलेटेड मामलों को देखेगी, क्रिमिनल मामलों को देखेगी, सिविल मामलों को देखेगी। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भाई ये संसद चलाएगी या इलेक्शन को देखेगी, ये भी नहीं देखती। अब चौथे को लेते हैं, द चीफ इलेक्शन कमीशन, ये भी नहीं देखता। भाई द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, सी इसका राइट आंसर रहेगा। द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये क्या देखता है? इलेक्शन से रिलेटेड जितने मामले होते हैं बच्चों उसको यही देखेगा, यानी कि क्या क्या इलेक्शन से रिलेटेड मामले आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भारत में इलेक्शन करवाएगा, इलेक्शन के लिए जितनी व्यवस्थाएं होगी उनको अपॉइंट करेगा और सारे के सारे मामले यही देखेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर अगर बात करें तो भारत का संविधान जब बन के तैयार हुआ उससे रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान जब बन के तैयार हो गया तो सबसे पहले कौन से आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। चलो हम देखते हैं, एनडीए 2018 फास्ट से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 26 नवंबर 1949। भाई 26 नवंबर 1949 से कौन से आर्टिकल प्रभावी हो गए थे? अब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना, जैन मतलब जनवरी, 1950 को लागू हुआ। और 1950 को लागू हुआ लेकिन बन के कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, क्योंकि भाई 26 जनवरी को हमने रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराया था, इसलिए उसी, और पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि कांग्रेस ने, तो उसी की वजह से 26 जनवरी का दिन संविधान का दिवस बनाया गया, क्योंकि उसको हम आत्मा में सजोए रखना चाहते थे। अब इसकी बात करते हैं बच्चों, इलेक्शन नहीं भाई, सिटीजनशिप। क्या भाई सिटीजनशिप? देखो सिटीजनशिप की तो प्रॉब्लम है, सिटीजनशिप की अगर बात करोगे आप तो सिटीजनशिप अगर हम बात करें तो उस समय भारत और पाकिस्तान का क्या हो रहा था? बंटवारा हो रहा था, और बंटवारा हो रहा था तो सिटीजनशिप से रिलेटेड बातें चल रही थी कि भाई आधे लोग पाकिस्तान में जा रहे थे, भारत वाले मुसलमान थे वो पाकिस्तान में जा रहे थे और पाकिस्तान वाले मुसलमान भारत में आ रहे थे। अच्छा इलेक्शन, इलेक्शन लागू हो गया था बच्चों, एक मिनट ये थोड़ा सा गलत टिक हो गया, इलेक्शन लागू हो गया था, ये राइट स्टेटमेंट रहेगी आपकी, इलेक्शन राइट स्टेटमेंट रहेगी, सिटीजनशिप भी राइट स्टेटमेंट रहेगी। अच्छा सिटीजनशिप के आर्टिकल कौन से थे? तो आर्टिकल 5 to 11 आर्टिकल को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया कि किसे भारत की नागरिकता मिलेगी और किसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। एमरजेंसी प्रोविजंस, एमरजेंसी प्रोविजंस लागू हुए बच्चों 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द जज 26 जनवरी 1950 को। तो बच्चों कौन सी दो स्टेटमेंट हमारी पूरी तरह राइट रहेगी? अगर सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अगर बच्चों ये अनकरेक्ट पूछता तो 3 और 4 रहते, लेकिन इसने पूछा करेक्ट तो हमारा 1 और 2 इसमें क्या रहेगा? पूरी तरह करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा क्वेश्चन एनडीए 2018 सेकंड से रिलेटेड है। भाई निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई कौन सी चीज मौलिक अधिकार नहीं है? अगर इसकी बात करोगे बच्चों मौलिक अधिकार क्या होते हैं, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था 2016 में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, और 2016 में भी जब क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने बताया आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक इनको बोलते हैं राइट टू फंडामेंटल मौलिक अधिकार, और इन्हीं में एक ऐसा अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बच्चों जब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं
और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो देखते हैं इसमें चीजें हैं क्या, यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है। अब देखो एक एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पे नहीं है पूछा गया है, और अगर यहां पे नहीं होता ना, नहीं नहीं होता, तो फिर स्टेटमेंट सारी की सारी आंसर ही चेंज हो जाता। अब इन्होंने पूछ लिया नहीं है, राइट टू इक्वलिटी कानून के समक्ष सभी समान है, मौलिक अधिकार में है। राइट टू फ्रीडम, घूमने फिरने चलने खाने पीने नहाने की आजादी है, राइट टू फ्रीडम है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, बिल्कुल है बच्चों, ये अधिकार भी है। लेकिन राइट टू सिटीजनशिप, देखो जो पीछे क्वेश्चन आया था मैंने बताया था सिटीजनशिप के आर्टिकल कहां से कहां तक है, 5 to 11 तक है। और अगर 5 to 11 तक है जो कि संविधान का पार्ट 2 है और राइट टू फंडामेंटल संविधान का पार्ट 3 है, तो सिंपल सा फंडा कि राइट टू सिटीजनशिप नहीं रहेगा, मौलिक अधिकारों में नहीं रहेगा, और मौलिक अधिकारों में नहीं है तो आप राइट टू फंडामेंटल के आर्टिकल 32 के तहत सिटीजनशिप के लिए रिट नहीं डाल सकते। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट टू सिटीजनशिप, यानी कि सी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा एनडीए 2018 फास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, भाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, एनडीए 2018 सेकंड का क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द कैबिनेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द लोकसभा। भाई कॉलेजियम सिस्टम से जज अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम राष्ट्रपति को नाम देता है कि भाई इसको अपॉइंट कर दो आप। सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को कौन से सिस्टम से अपॉइंट किया जाता है, कॉलेजियम सिस्टम से, लेकिन सिग्नेचर कौन करेगा अपॉइंटमेंट पे, राष्ट्रपति। तो सिंपल सा ये, कैबिनेट को छोड़ दो, लोकसभा को छोड़ दो, सीधा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बच्चों 7, और ये भी कब का है, एनडीए 2018 सेकंड से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन बच्चों ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज इनसाइड द इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब भाई जब DPSP की बात चलती है तो DPSP है क्या, इससे पहले DPSP है क्या ये देखना पड़ेगा। DPSP बच्चों आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक संविधान का पार्ट 4 चलता है। पहले द स्टेट यानी कि भारत, भारत देट इज इंडिया जिसको पार्ट 1 बोलते हैं, और आर्टिकल 1 से 4 चलता है। उसके बाद सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 चलता है, और उसके बाद राइट टू फंडामेंटल मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक चलता है, और उसके बाद आता है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 to 51। और ये कौन किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, 36 टू 51 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई भारत के संविधान में नीति निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। अब देखो अगर हिस्सा पूछता कि है तो स्टेटमेंट अलग होती, लेकिन इसने क्या पूछा, नहीं है, नहीं है का पूछ रहा है तो फिर स्टेटमेंट अलग हो गई। अब बच्चों नहीं है का जब हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट पूरी तरह चेंज हो जाता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये तो है, बिल्कुल है कि सबको समान न्याय मिलना चाहिए, और न्याय के लिए फ्री में वकील भी मिलना चाहिए, और जब भी आप कोई अपराध करते हो आपके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है, वकील का मोटा फीस लगता है, तो आप जुडिशरी से डिमांड कर सकते हो कि मुझे फ्री में वकील अपॉइंट करवाया जाए, और जुडिशरी आपको फ्री में वकील देगी। अब दूसरा देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ मोमेंटम एंड पैलेस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, बिल्कुल है, पब्लिक प्रॉपर्टी, ऐतिहासिक स्मारक, ऐतिहासिक व्यक्ति, उन सबको दिल में सजोए रखो, ये भी है, बिल्कुल सही है।
इसके बाद हम थर्ड को छोड़ देते हैं, एक बार फोर्थ को देखते हैं, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी है, बिल्कुल है। लेकिन बच्चों अब एक दो और चार तो राइट हो गए, अब इन्होंने पूछा हिस्सा नहीं है, नोट करेक्ट, प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ का संरक्षण, पर्सनल लॉ का संरक्षण, पर्सनल लॉ किसे बोलते हैं, पर्सनल लॉ जिस प्रकार हिंदुओं के अलग कानून होते हैं विवाह शादी से रिलेटेड, मुसलमानों के अलग कानून होते हैं, ईसाइयों के अलग कानून होते हैं संपत्ति से रिलेटेड, सबके अलग अलग कानून होते हैं, तो बच्चों ये इसमें नहीं है, सी यानी कि हिस्सा नहीं है, तो नोट करेक्ट आपका क्या रहेगा, पर्सनल लॉ का संरक्षण आंसर रहेगा सी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एनडीए 2018 सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, द वर्ड सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया थ्रू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट, भाई समाजवादी शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, क्वेश्चन रिपीट है बच्चों 2016 से, भारत के संविधान की बात करो बच्चों तो इंदिरा गांधी जी एक 42nd अमेंडमेंट लेके आई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd, और 42nd अमेंडमेंट को बोला गया कि स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन ही तैयार कर दिया इंदिरा गांधी जी ने, 100+ आर्टिकल में उन्होंने संशोधन कर दिया था, तो जो 42nd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको समाजवादी सरकार ने रद्द किया, और उसके बाद उसने 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, तो वो बहुत सारे कानूनों को वापस उसी रूप में ले आई, लेकिन उसने आर्टिकल 31 को नहीं छेड़ा, 31 को उसने 300A कर दिया, यानी कि राइट टू फंडामेंटल से बाहर कर दिया, जनता पार्टी की सरकार आई थी मोरारजी देसाई की। तो बच्चों इसका राइट आंसर की बात करोगे तो जैसे ही मैंने बताया 42 या 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आपका राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था इमरजेंसी में, ध्यान रखना आपको। चलो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2018 फास्ट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, भाई सिंपल सी बात करें तो चीफ मिनिस्टर रहेगा, बाकी आगे स्टेटमेंट देखते हैं, मतलब होम मिनिस्टर रहेगा, उसके बाद आगे हम स्टेटमेंट देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं, दूसरा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी नहीं भाई, तीसरा द यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन का होम मिनिस्टर, यूनियन, यूनियन का मतलब भारत, भारत दैट इज ए यूनियन, स्टेटों का क्या है, संघ है, और यूनियन से किसी भी स्टेट को अलग होने का अधिकार नहीं है, तो बच्चों इसमें क्या रहेगा, राइट आंसर आपका सी रहेगा, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, गलत है, यानी कि आपका राइट आंसर सी रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजंस रिलेटेड टू, और ये क्वेश्चन कब का, एनडीए 2018 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों, अगर हम बात करें तो ये ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में भी बहुत पूछे गए थे, और जब हम हिस्ट्री की पीवाईक्यू कर रहे थे तो मैंने बताया था आर्टिकल 352 से लेके 360 तक इमरजेंसी आर्टिकल होते हैं, और इमरजेंसी भारत में तीन प्रकार से लगाई जा सकती है, एक तो नेशनल इमरजेंसी, या फिर आर्मीड रिबेलियन, आर्मी यानी कि सशस्त्र संघर्ष या युद्ध वॉर, इसके आधार पे इमरजेंसी लगाई जाए तो उसको बोलते हैं आर्टिकल 352। और दूसरे टाइप की इमरजेंसी होती है बच्चों राष्ट्रपति शासन, जिसको आप प्रेसिडेंट रूल बोलते हो, आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। और तीसरे टाइप की इमरजेंसी भारत में होती है आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग, जिसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, यानी कि किसी स्टेट का या सेंटर का फाइनेंशियल सिस्टम करप्ट हो जाए, फाइनेंशियल सिस्टम खराब हो जाए, तो उसको उसमें कौन सा आर्टिकल लगा दिया जाता है, आर्टिकल 360 लगा दिया जाता है, तो बच्चों उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब बच्चों इसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 352 के तहत कौन सी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी ये तो लगाई जाएगी 360 के अकॉर्डिंग, मैंने बताया अभी आपको, फेलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट 356, सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड इन द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल भाई
पार्ट थ्री जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थ्री है, अगर इस अधिकारों के निलंबन संविधान के भाग तीन में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन अब क्या इन अधिकारों को छीना जा सकता है कि जो राइट टू फंडामेंटल है इनको आर्टिकल 352 के तहत छीना जा सकता है। अच्छा, इससे पहले अगर हम चौथा ऑप्शन और देखें, जनरल इमरजेंसी, जिसको कि आर्टिकल 352 के तहत लगाया जा सकता है 352 के तहत, तो तीनों इमरजेंसी मिल गई। लेकिन हमें सी स्टेटमेंट को देखना कि सी स्टेटमेंट बोल क्या रहा है। सी स्टेटमेंट बोल रहा है बच्चों कि अगर भारत में इमरजेंसी लगाई गई 352 के तहत, तो क्या राइट टू फंडामेंटल में जो अधिकार दिए गए हैं उनको भी छीना जा सकता है, उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो बच्चों दो आर्टिकल ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 और 21 का मतलब यह होता है बच्चों, अगर आर्टिकल 21 की बात करें तो मान लो सरकार इमरजेंसी लगा के बोल दे कि आप सांस नहीं ले सकते, तो भाई ये तो प्रकृति का लो है, सांस लोगे तभी जिंदा रहोगे, यानी कि सरकार यहां पे क्या हो गई, तानाशाही हो गई। सरकार चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी देश में पैदा क्यों ना हो जाए, लेकिन आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 पे इमरजेंसी, आर्टिकल 19 पे रोक नहीं लगा सकती। जो काम आप करना चाहते हो वो काम कर सकते हो, जो आप बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो, लेकिन इन पे कुछ रिस्ट्रक्चर लगा सकती है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो देश के खिलाफ हो। अब सरकार किसी को काम करने से रोक देगी तो वो खाएगा क्या? मान लो 352 के तहत इमरजेंसी लगा दी और सरकार बोलेगी आप काम ही नहीं कर सकते, तो वो बंदा खाएगा क्या? तो बच्चों हमारा राइट आंसर इसमें क्या रहेगा? सी आंसर हमारा राइट रहेगा, जो कि अगर हम देखें सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कॉन्फर्ड इन द पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे जनरल इमरजेंसी लग जाए 352 के तहत, लेकिन वो पार्ट थ्री के जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ आर्टिकल को रोक नहीं सकती। तो बच्चों ये एनडीए 2018 के क्वेश्चन थे, और एनडीए 2018 में हम देखते हैं कि 10 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन एनडीए 2017 में 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो बच्चों देखते हैं 2017 से 2018 का क्राइटेरिया पॉलिटिकल साइंस का या पॉलिटिका बढ़ गया था, तो आपको ध्यान रखना है इसके बाद आगे और बढ़ेगा पॉलिटिका क्राइटेरिया, तो पॉलिटी से क्वेश्चन और ज्यादा आने लगे। तो बच्चों आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है, PYQ को अच्छे से, जिससे कि आपको पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जैसे हमने 2-3 क्वेश्चन लिए जो डायरेक्ट रिपीट थे, और उन क्वेश्चन को देखा कि वो डायरेक्ट बिना स्टेटमेंट चेंज किए ही सीधे के सीधे आ गए। जिस प्रकार नेशनल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था 4 सीट और 6% वाला, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, PYQ को अच्छे से करना है। आज के लिए जय हिंद जय भारत।